शब्दों में इतना सामर्थ्य होता है कि वे बुझे हुए दिए को रोशन कर दें, मुरझाए हुए पौधों को हरा भरा कर दें। जी हाँ, सही सुना आपने। हमारे एक मित्र हैं, उनकी पत्नी अपने घर के आंगन में ढेर सारे पौधे लगा कर रखती हैं। वो रोज उन्हें सींचती हैं, तेज धूप से बचाती हैं, उन्हें पर्याप्त धूप मिले इसका भी पूरा ख्याल रखती हैं। इतना ही नहीं, वे रोज उनसे बातें भी करती हैं। अब आगे सुनिए, उनकी पत्नी हर साल एक महीने के लिए अपने मायके जाती हैं और पौधों को पानी देने की जिम्मेदारी पति को सौंप जाती हैं। मेरे मित्र अपनी पत्नी के कहे अनुसार पौधों को रोज पानी देते हैं, फिर भी वो मुरझा जाते हैं। पत्नी के वापस लौटते ही वे फिर से हरे भरे हो जाते हैं। किसी को इस बात पर हैरानी हो सकती है, किसी को ये बात अवैज्ञानिक लग सकती है, लेकिन ऐसा होता है। अनुभव कहता है, नाउम्मीदी जब छाती है तो हौसला देने वाली चंद लाइनें भी ना सिर्फ मरहम का काम करती हैं, बल्कि फिर से उठ खड़ा होने का जोश भी भरती हैं। कवि मैथिली शरण गुप्त की चंद पंक्तियां याद आ रही हैं। नर हो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें ये व्यर्थ ना हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो ना निराश करो मन को, संभलो कि सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। इंसान का मेहनत से किया हुआ काम कभी खाली नहीं जाता, कवि यहां यही इंगित करते हुए आगे लिखते हैं, जब प्राप्त तुम्हें सब तत्व यहां, फिर जा सकता वह सत्व कहां, तुम स्वत्व सुधारस पान करो, उठो अमृत्व विधान करो। इसके बाद कवि गौरव याद दिलाते हैं ताकि आगे बढ़ने का हौसला मिले, निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे, मरणोत्तर गुंजित गान रहे, सब जाए अभी परमान रहे। इसके बाद कवि यह याद दिलाते हैं कि ईश्वर ने शक्ति सामर्थ्य और संसाधन दिए हैं, अब मेहनत से अगर कोई चूक जाए तो इसमें फिर किसका दोष है। कवि आगे कहते हैं, प्रभु ने तुमको दान किए सब वांछित वस्तु विधान किए, तुम प्राप्तस करो न उनको अहो, फिर यह किसका दोष कहो, समझो न अलभ्य किसी धन को, नर हो न निराश करो मन को, किस गौरव के तुम योग्य नहीं, कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं, जान हो तुम भी जगदीश्वर के, सब हैं जिसके अपने घर के, फिर दुर्लभ क्या उनके जन को। कवि ये नसीहत दे जाते हैं कि असफलता के बहाने बनाने में और बहस में उलझने की बजाय नई ऊर्जा के साथ फिर कोशिश करनी शुरू की जाए तो कामयाबी कदम चूमेगी। करके विधिवाद न खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो, बनता बस उद्यम ही विधि है, मिलती जिससे सुख की निधि है, समझो धिक निष्कृत जीवन को, नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को। आखिरी बात, अगर किसी ने कुछ पाने के लिए शिद्दत से कोशिश की और उसे अगर वो चीज नहीं मिली तो ये कविता उसे कोई सुना दे तो निराशा हावी ही नहीं होगी, फिर लगन के साथ जुटने में एक नई प्रेरणा मिलेगी।